Subscribe my YouTube channel and press the bell icon for endless videos on moto vlogs, product reviews and much more. तो एक आवाज आती है बूम करके बहुत तेज, जैसे एक कोई तोप का गोला होता है, ठीक है, तो वैसे आवाज आती है। अगर वो आवाज आए तो भाग लो बस। Every brother is caught in the crossfire. It's caught in the crossfire. वेलकम बैक टू द चैनल। अभी बज रहे हैं शाम के 4:30 और वीडियो का थंबनेल और टाइटल देखकर आपको पता चल ही गया होगा कि इस बार ये बंदा किसी राइड पे नहीं जा रहा है। सो बेसिकली मैं जा रहा हूँ दीपक भाई से मिलने, दीपक गुप्ता जी जो कि दिल्ली से है। सो उनका चैनल है एक्सट्रीम मोटो एडवेंचर। अगर आप बाइक एंथूजियास्ट है और यूट्यूब देखते होंगे तो ज़रूर आपने कहीं ना कहीं उनका चैनल देखा होगा क्योंकि वो काफ़ी फेमस है। सो दीपक भाई अपनी ऑल इंडिया राइड कर रहे हैं और इसी बीच वो परसों रात में रांची पहुंचे थे अराउंड 9:30 एंड काफ़ी थके हुए थे तो कल मीटअप करना पॉसिबल नहीं था। सो उन्होंने 2 दिन का स्टे लिया यहाँ और अभी मीटअप है। सो मैं उसी में जा रहा हूँ। एक्चुअली मीटअप स्टार्ट भी हो गया होगा। मीटअप का टाइम था 4 बजे और अभी बज रहे हैं लगभग 4:30। सो मैं काफ़ी लेट हो गया हूँ। लेट होने का रीज़न था क्योंकि दिन काफ़ी बिजी था। सो सुबह को कॉलेज था और कॉलेज के बाद मुझे कुछ काम की वजह से रांची से बाहर जाना पड़ा लगभग 50 किलोमीटर्स। सो वो टाइम टेकिंग था और आते आते लगभग 3:30 बज गए थे। सो फ्रेशन अप होकर मैं फिर से निकला हूँ उनसे मिलने के लिए। हाँ हेलो, बस पहुँचने वाला हूँ, हरमू में हूँ। ठीक है, हरमू ठीक है, 5-7 मिनट और आ रहे। वो इसके भाई की कॉल थी एक्चुअली, वो भी मेरा वेट कर रहे हैं, वो भी मीटअप में जाने वाले। सो चलते हैं। वेल मीटअप कहाँ है ये मैं बताना ही भूल गया आपको। मीटअप एक्चुअली रांची में एक पार्क है जिसका नाम रॉक गार्डन है। रांची वाले डेफिनेटली जानते होंगे, अगर नहीं जानते हो तो भाई क्या रांची में रहते हो। हेलो, हाँ इसके भाई कहाँ है? हाँ पहुँच गया, रॉक गार्डन के बाहर है। नहीं पार्किंग में वेट कर रहे ना, आप आइए साथ में चलते। ओके सो लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज द रॉक गार्डन। एक्चुअली दिस इज द एंट्रेंस, असली पार्क अंदर है। सो पहुंच चुके हैं रॉक गार्डन और एसके भाई के साथ हैं और एसके भाई का ही कैमरा यूज कर रहे हैं बिकॉज मेरे साथ पोपट हो गया है। तो मैंने 50 रुपये का कैमरा का DSLR का टिकट कटवाया और जब कैमरा निकालता हूँ तो कैमरा का बैटरी ही नहीं है, बैटरी एक्चुअली घर में छोड़ दिया हूँ मैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सुबह से बिजी था, उस चक्कर में हड़बड़ी में सब गड़बड़ हो गया। सो अभी एसके भाई का ही कैमरा यूज़ कर रहा हूँ। शुक्रिया सर। अभी कुछ ड्रोन शॉट्स लिया गया इसके भाई का, फिर से कैमरा में यूज़ कर रहा हूँ। और ठीक मेरे पीछे वहाँ पर है दीपक भाई। सो थोड़ी देर में मिलते हैं, एक एक करके सबको ही मिलेंगे उनसे। और बस बंदे मस्त है, बिल्कुल फ्रेंडली, ऐसा नहीं लग रहा है कि पहली बार मिल रहे हैं। सो बस कैमरा का दुख बहुत हो रहा है बिकॉज 50 रुपये जाने का नहीं है, ये मोमेंट कवर नहीं कर पाया दिल से बिकॉज अब एक कैमरा से 2-2 लोग को शूट करना है तो आसान तो होता नहीं है। तो सब लोग लगे हुए ब्लॉग करने में और हम भी छोटे मोटे यूट्यूबर ब्लॉग कर लेते हैं कभी कभी। एक्चुअली जो दिखने में लगता है वीडियोस में वो बहुत आसान लगता है, लेकिन जब एक्चुअल में करता है बंदा उसको मालूम होता है कि वो शॉर्ट्स कैसे ले, बहुत टफ होता है सारी चीज़ें। अगर बंदा व्लॉग वगैरह कुछ नहीं कर रहा, अगर खाली मस्ती में जा रहा, फिर वो मैनेज कर लेगा थोड़ा बहुत, लेकिन उसको सब कुछ दिमाग में रखना है कि ये भी लेना है वो भी लेना है। कैमरा गियर से तो ढेर सारे हो जाते हैं। तीन बैग
कैमरा गियर था मेरा और आगे सबसे खराब ट्रेन आपको कहाँ मिला, सबसे खराब और सबसे अच्छा? मणिपुर, मणिपुर में सबसे खराब मिला। मणिपुर ऐजवाल से थोड़ा सा आते वक्त अच्छा। तो ये वाला एरिया जो है काफी खराब है, मतलब ऑफ रोड नहीं कहेंगे, बड़े बड़े गड्ढे ज्यादा हैं अच्छा, जो कि अच्छा। ट्रक भी उन पे चलते हैं तो उस वजह से दिक्कत ज्यादा है। माना पास था एक जो काफी हाइट पे भी था और पत्थर भी बड़े बड़े थे। उसके बाद ये मणिपुर वाला ज्यादा खराब लगा मुझे, और जब आया हाथों हाथ ऐसे लाल थे, लकीरें पड़ गई थी बड़ी बड़ी। भूटान में डर नहीं लगा? आपको कोई ना कोई मिल जाएगा, मिल ही जाएगा, ठीक है, कोई ना कोई तो मिलेगा, साला ट्रक वाला तो मिलेगा या ऑटो वाला मिलेगा, कोई ना कोई तो मिलेगा, सारा इंडिया एक परिवार है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि ऐसे एलिमेंट मिल जाते हैं, हाँ, तो है। उनको फिर दबाना पड़ता है, भगाना पड़ता है। तो अभी तक तो एक ही बार हुआ है मेरे साथ, वो भी मेरे ख्याल से 2012 में हुआ था शायद, तो दो चार लौंडे पीछे पड़ गए थे तो भगाया फिर मैंने पल्सर 220 भी। रात में ना चलाएं ज्यादा बेटर है, क्योंकि रात में जो रिस्क फैक्टर है वो 95% बढ़ जाता है। सही बात है, ठीक है। गुवाहाटी से साढ़े छह बजे भागा मैं वहां से, पूरी रात बाइक चलाई, पूरी रात नहीं 12 बजे एग्जैक्ट धूपगिरी पहुंच गया था, 475 किलोमीटर चला के 5.5 घंटे में, कहीं पे भी एक भी ब्रेक नहीं लिया मैंने, सीधा कंटिन्यूस भगाता रहा बैठे बैठे। फिर धूपगिरी में जाके पहले तो खाना खाया उसके, फिर वो बोलने लग गया यहाँ पे सो सकते हो आप, मतलब मेरा आधा घंटा तो हो गया था, एक घंटा बैठे बैठे वहाँ पे, तो मेरे को नींद आ रहा था, मैं यूं कर रहा था, तो बोला अगर सोना है तो सो जाओ यहाँ पे, जगह है मिल जाए। फिर मैं और बोल रहा था बाइक अंदर कर दो, वो सबसे बढ़िया लगा, मैंने बाइक अंदर करी पूरी सेफ, क्योंकि बाहर अगर बाइक बाहर छोड़ता तो फिर नींद गायब होने का तो सीन था, तो बाइक अंदर करी, फिर सोया 2-3 घंटे, फिर 5:30 बजे मैं स्टार्ट कर दिया था वहाँ से रांची के लिए। फिर वो कंटिन्यूस चलता रहा, बीच में 1-1 घंटे के 2 ब्रेक्स लिए थे मैंने। पैनगोंग पे फ्रोजन लेक जाते समय जब टायर एंट्री लिया फ्रोजन आई, देखा होगा आपने। हाँ, मैंने देखा, वो मैं जब मैं यूं कर रहा था, जाएगा कि नहीं जाएगा, कि नहीं जाएगा, उस समय थोड़ा सा अंदर में था कि नहीं। बिल्कुल 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 होता है, मतलब कि आप यार एक ऐसी चीज पे जा रहे हो जो कि आपको मालूम ही नहीं है, वो टेरिटरी आपकी है ही नहीं, तो ऑब्वियसली आपको डर लगेगा थोड़ा सा, तो पता चल जाता है कि होता क्या है। एक्चुअली जब क्रैक पड़ता है तो एक आवाज़ आती है बूम करके, बहुत तेज, जैसे एक कोई तोप का गोला होता है, ठीक है, तो वैसे आवाज़ आती है, अगर वो आवाज़ आई तो भाग लो बस। तो वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था, और रॉक सॉलिड लग रही थी, तो आवाज़ आ रही थी कचर 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 कचर, जो कि बस टूटने की होती है हल्की हल्की। फिर उसके बाद पहले धीरे धीरे पैरों से ही निकाली मैंने, फिर कॉन्फिडेंस गेन हुआ, पहले मैं ही घुसा था सबसे पहले, मतलब कि बाकी के तो सब पीछे थे, फिर धीरे धीरे मैं अंदर गया, फिर चलाई थोड़ी सी, फिर कॉन्फिडेंस गेन हुआ, मैं पूरा चक्कर 1 किलोमीटर काट के आया मैं। उसकी जो फॉर्मेशन थी आइस की बहुत हार्ड हो चुकी थी, अच्छा, वो पता चल रहा था कि इतनी हार्ड है, और उसके ऊपर ताज़ा ताज़ा स्नो गिरी थी, जिसकी वजह से ट्रैक्शन अच्छा बन गया था कि बाइक कंट्रोल कर पा रहे थे, तो आराम से चलाई। बाकी कई लोगों के कमेंट ऐसे आए कि नहीं चलानी चाहिए, यार एक बार एडवेंचर तो बनता है ना। सही बात है, अगर आपने कुछ अलग ही चीज करी है। अभी रिमेनिंग 20 दिन, अभी यहाँ से दिवाली घर पे मनाएंगे, हाँ, उसके बाद रिज्यूम होगा ट्रिप लद्दाख का, हाँ, वो फ्लाइट से फिर एक चक्कर छोटा सा मारूंगा देहरादून का, हिमाचल, और देन रांची। यार कुछ भी एक्सप्लोर नहीं कर पाया, मैं सोता रह गया। स्टोरी देख के समझ आ रहा है, एक्सप्लोर करना था। कल जाऊंगा मैं, कल जा रहा हूँ, पतरातू होते हुए मैं बोधगया निकलूंगा। अच्छा, तो जिसको ज्वाइन करना हुआ। सो दीपक भाई से काफी सारी बातें हुई, और कल हमारा प्लान है पतरातू राइड करने का। एक्चुअली ये उस रूट से होकर बोधगया निकलना है, तो एक हफ्ते बाद मैं भी जा रहा हूँ बोधगया बिहार ट्रिप पर। बहुत ऑसम प्लेस है, पीसफुल प्लेस है, मतलब कि बंदे को एक बार अगर बिहार में से निकल रहा हो तो बोधगया जरूर जाइएगा। Exactly. एक टेंपल है वहाँ पे, बहुत पीसफुल है, महाबोधि। सो दीपक भाई को अभी खिलाने ले जा रहे हैं लिट्टी चोखा। सो देखते हैं और क्या करना है, लिट्टी खाना है, और चलिए देखते हैं।